न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। दिल्ली में खत्म हुई छपाक की शूटिंग, इस अंदाज में दिखे दीपिका और विक्रांत। दीपिका पादुकोण की मोस्ट एवेस्टेड फिल्म छपाक की दिल्ली में शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी। मेघना गुलजार की फिल्म एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है, जिसे दीपिका पादुकोण और विक्रांत मिसी पर्दे पर उतारते दिखाई देंगे। वही सोमवार को मेघना गुलजार ने फिल्म के टीम और क्रू मेंबर्स के साथ फोटो शेयर करके ये बताया है कि शूटिंग राजधानी में अब खत्म हो चुकी है। पूरी टीम के साथ मेघना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर की है। मेघना ने लिखा है, हैप्पीली हेल्पेड डन दिल्ली शेड्यूल रैम फॉर टीम। इस फोटो में दीपिका पादुकोण के साथ विक्रांत मिसी और मेघना गुजराल के साथ पूरा क्रू दिख रहा है। ये फोटो किसी साधारण से घर की फोटो लग रही है जहां फिल्म की शूटिंग की गई होगी। आलिया भट्ट ने कंगना रनौत की बहन रंगोली को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा नहीं देना चाहती है ध्यान। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल की ओर से आलिया भट्ट और उनके परिवार निशाना बनाकर किए गए अनगणित बयानों पर अभिनेत्री ने शुरुआत से ही चुप्पी साध रखी है और अब आलिया का कहना है कि वह सिर्फ सकारात्मक चीजों पर अपना ध्यान लगाना चाहती है। हाल में आलिया उनकी मां सोनी राजदान और पिता महेश भट्ट को लेकर रंगोली ने ट्विटर पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, भट्ट बंधुओं के लिए जब कंगना ने फिल्म करने से इनकार किया तो महेश बहुत हताश हो गए थे और उन्होंने अभिनेत्री को चप्पल फेंक कर मारा था। राजदान की राष्ट्रीयता के बारे में एक और ट्वीट कर रंगोली ने लिखा, लोगों को इन गौर भारतीयों के एजेंडा के बारे में सोचना चाहिए जो यहाँ की धरती पर रहते हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के लोग को गालियाँ देते हैं। रविवार रात जब मैच के दौरान धोनी को आ गया गुस्सा, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी को आपने मैदान पर गुस्सा होते बहुत कम ही बार देखा होगा। रविवार 21 अप्रैल को आईपीएल सीजन 12वें में एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा फैंस को दिखा। दरअसल हुआ यूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई की पारी के 16 ओवर में नवदीप सैनी को गेंद को धोनी के हल्के हाथ से खेलकर सिंगल निकालने का प्रयास किया। धोनी कुछ कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने जडेजा को रोका, लेकिन जडेजा काफी आगे निकल चुके थे। धोनी नो चिल्लाते रहे और वापस अपने छोर पर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पता था कि जडेजा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।